दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आज के दिन अगर देखा जाए तो IRFC में लास्ट आधे घंटे में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से जो स्टॉक रुका हुआ था उसमें तेजी आई, 2.5% की हमें तेजी देखने को मिली। अभी के टाइम अगर देखा जाए लास्ट 5 डेज में स्टॉक जो है ओनली फॉर कंसोलिडेशन किया है, गिरावट हो रही थी बट वो गिरावट आज के दिन जो तेजी आई है उससे रिकवर हो चुकी है। 1 मंथ की बात करूँ तो 6% माइनस में है, वही अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 75% तक के रिटर्न मिले हैं। बट वो रिटर्न हमें कहाँ पर देखने को मिले, यहाँ पे वो रिटर्न ओनली फॉर जो ये 75% रिटर्न है ये ओनली फॉर हमें सिर्फ 15 दिन में यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। बाकी जो 5.5 महीने जो शेयर है वो ओनली फॉर कंसोलिडेट ही किया है। अब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे रखता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है। देखिए, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा है कि आप बाई एंड सेल करें। बाई एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो अभी के टाइम दोस्तों मेरा यहाँ पे क्या मानना है वो आपके सामने शेयर करूंगा, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंट है मेरे हिसाब से, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड वही अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो अभी तक अच्छे रिटर्न कंपनी ने हमें दिए भी है, 612% तक के रिटर्न कंपनी ने हमें बना के दिए हैं। एक अच्छा जंप यहाँ पे दिखा है, उसके बाद स्टॉक 5.5 महीने 6 महीने तक एक रेंज पे कारोबार किया है। तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट होगा वो हम जानेंगे। अभी अगर देखा जाए तो रिसेंटली OFS का भी डर है लोगों में, तो उसको भी हम समझेंगे। आज के दिन की अगर बात की जाए तो जो PSU रेलवे शेयर है वो ओवरऑल पॉजिटिव ही है, जैसे रेल विकास निगम आपका 1.5% तेजी में, इरकॉन आपका 0.5% है, और उसी के साथ साथ मार्केट में भी अच्छी तेजी है। और निफ्टी जो है वो इलेक्शंस की गिरावट के बाद लो से 3000 पॉइंट जो है वो हमें जंप करते हुए देखने को मिला है। मार्केट ओवरऑल एक अच्छा खासा बुलिश जोन में हमें जाते हुए नजर आया है। और अगर मैं आज की बात करूं इरेडा में, तो IRFC में तो 172 रुपये पे ओपन होता है, 172 का ही लो ऑलमोस्ट वही होता है, 178 रुपीज तक का स्टॉक हाई लगाता है। इसमें अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पे 3,47,00,000 शेयर्स की वॉल्यूम होती है, जिसमें टोटल जो वैल्यू ऑफ ट्रेड है वो 600 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के शेयर जो है वो आज मार्केट में ट्रेड होते हैं IRFC में। डिलीवरी अच्छी खासी है IRFC की, 44% क्वान्टिटी दोस्तों डिलीवर हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एक बढ़िया डिलीवरी उठाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर न्यूज़ की बात की जाए तो रेलवे में अच्छी खबर यहाँ पे RVNL से रिलेटेड देखने को मिली है। RVNL को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, कंपनी को 132 करोड़ का यहाँ पे कल के दिन हमें ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे IRFC को, सॉरी इरकॉन को, RVNL को, टीटागढ़ को, इन सबको जितने ऑर्डर मिलेंगे इतना ही बेनिफिट आपका IRFC को होगा, क्योंकि ये जो रेलवे में शेयर है IRFC, ये रेलवे में मोनोपोली क्रिएट करता है, सभी कंपनियों को जो है लोन एंड फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाता है। एंड रेलवे में दोस्तों यहाँ पर जो है कि माल ढुलाई के जो आंकड़े हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर डाटा के हिसाब से। अगर आप देखेंगे रेलवे विटनेस 10% इंक्रीज इन फ्राइट लोडिंग इन जून, तो दोस्तों यहाँ पे जून में हमें ईयर ऑन ईयर वाइज जो है एक अच्छा खासा माल ढुलाई के जो आंकड़े हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। मतलब कि अभी के टाइम जो रेलवे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें दोस्तों मालगाड़ियों के जरिए जो है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा रेलवे में इंक्रीजमेंट होगा उतना ही ज़्यादा रेलवे को भी बेनिफिट होगा, प्लस जितना ज़्यादा आने वाले टाइम में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा उतनी ही ज़्यादा रेलवे में और भी मालगाड़ी की ज़रूरत होगी, और भी नए ट्रैक्स की ज़रूरत हो सकती है। मतलब रेलवे में अभी के टाइम हमें डिमांड जो है वो अभी के टाइम मौजूदा लेवल पर देखने को मिल रही है मौजूदा समय में। मतलब कि ये जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि रेलवे सेगमेंट में आने वाले 5 से 7 साल में एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। मतलब कि जो रेलवे सेक्टर अभी के टाइम जो आपको दिख रहा है, जो भारत की जो रेल स्थिति है वो अभी जो आपको दिख रही है, आने वाले 5 से 10 साल में इससे कई ज्यादा एडवांस लेवल पे भारत का जो रेलवे है वो होने वाला है। एंड इसमें फिर बेनिफिट किसको होगा, देखिए इसमें बेनिफिट आपके रेलवे की सभी कंपनियों को होगा जिस प्रकार से उनको ऑर्डर मिलेंगे, बट IRFC को भी बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने सेगमेंट में, कंपनी पहले स्थान पे हमें नज़र आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, PE रेशियो चल रहा है इस कंपनी का 35 का, एंड वही यहाँ पर कि जैसे ही इसके अभी रिजल्ट्स भी आएंगे, 1 महीने बाद हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं आपको आंकड़े बताऊँ तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 23
जुलाई 24 जुलाई को हमें ऑलमोस्ट बजट आते हुए देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे पिछले डेटा के हिसाब से इस मंथ के एंड तक कंपनी अपने रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करवा सकती है, या फिर जो अगस्त का महीना है अगस्त के महीने में शुरुआत में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में देखने को मिल सकते हैं। अगर बजट रेलवे का अच्छा रहा तो एक तेज़ी दिख सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स अच्छे रहे तो वहाँ पे तेज़ी दिख सकती है। ये दो बड़े इवेंट्स कंपनी के लिए दोस्तों रहने वाले हैं अभी के टाइम IRFC में। उसी के साथ साथ कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा ही कर रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी के टाइम 26,000 करोड़ का हो चुका है। लास्ट 10 सालों में 5 गुना ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, और जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ से बढ़कर अभी के टाइम दोस्तों कंपनी का 6,000 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट में लास्ट 10 सालों में यहाँ पर 12 गुना हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के पास एसेट्स अच्छे खासे हैं, बैलेंस शीट फाइनेंशियली दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, बट लोगों में डर किस चीज़ का है, बस OFS का डर है, क्योंकि जिस दिन भी आएगा 10% 15% डाउन होने के भी चांसेस रहेंगे। बट माई OFS से रिलेटेड माई पर्सनल व्यू क्या है, मेरा पर्सनल व्यू क्या है, देखिए OFS से रिलेटेड मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये मानना है मेरा कि OFS जो है वो बजट के टाइम या फिर बजट के बाद ही अनाउंसमेंट होगा, बजट से पहले 24 तारीख से पहले अनाउंसमेंट होने के थोड़े कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों IRFC में अभी ये भी है कि अगर OFS आता भी है तो 10-15% डाउन होने के बाद स्टॉक अगेन रिवर्सल भी दिखा सकता है, माई पर्सनल व्यू। अब देखिए यहाँ पे IRFC ने एक सपोर्ट लिया है EMA का एंड जो ट्रेंड लाइन है उसका। अब ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन पे ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये, इस पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। सपोर्ट लिया, जंप किया, सपोर्ट अगेन जंप, अगेन सपोर्ट अगेन जंप, फिर सपोर्ट फिर जंप, एंड अगेन इस ट्रेंड लाइन पे आया एंड अगेन ये स्टॉक जो है वो जंप करने की कोशिश किया। पहला सपोर्ट है ट्रेंड लाइन, दूसरा सपोर्ट आपका EMA भी है। EMA अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी EMA के ऊपर है, 15 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, और उसी के साथ साथ आज जो है वो हमें बल्क डील देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे लास्ट कुछ टाइम में, लास्ट 5 से 10 मिनट में ये चीज़ें हुई है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब ये सेम चार्ट जो है IREDA में भी बना था एंड IRFC में भी बन रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है, थोड़ा रडार पे इस स्टॉक को रखना, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रेंज कंपनी बना रही है। अब रेंज कौन सी है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रेंज जो है वो हमें ये रेंज देखने को मिल रही है IRFC में। सपोर्ट निकल के आ रहा है 170 का और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 180 का। मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मेरा ये मानना है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। बाकी दोस्तों कोई बाय एंड सेल का यहाँ पर व्यू नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा और उसी के साथ साथ अपना रिसर्च भी खुद कीजिएगा। बट मेरा पर्सनल व्यू यही है कि 180 का लेवल रेजिस्टेंट है, लेवल टूटा तो 192 एंड 200, एंड ये सपोर्ट है 170, लेवल टूटा तो 160 का लेवल। थैंक यू दोस्तों।